असिस्टेंट प्रोफेसर इन आईटी प्रसार मेथोडोलॉजी. टुडे आई विल डिस्कस विद यू फ्री सॉफ्टवेयर. व्हाट इज फ्री सॉफ्टवेयर? फ्री सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट रेस्पेक्ट यूजर फ्रीडम एंड कॉपीराइट. रफली इट मींस दैट यूजर हैव द फ्रीडम टू रन, कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, शेयरिंग, चेंज एंड इम्प्रूव सॉफ्टवेयर. फ्री सॉफ्टवेयर इज अ मैटर ऑफ लिबर्टी, नॉट प्रेफरेंस. फ्री सॉफ्टवेयर मतलब फॉर एग्जाम्पल जिस सॉफ्टवेयर जो आपके लिए होते हैं वही मतलब कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में भी आपको क्या होता है, जो सोर्स कोड होता है फ्री ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं. उसमें आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. अगर उसमें बग आ सकता है तो उसको भी रिमूव कर सकते हो. हर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर हो ये कंपल्सरी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोज सॉफ्टवेयर होता है, इसके लिए आपको पेड करना पड़ता है. ओके, तो आप कुछ कुछ आपने देखा होगा कि हम जब गूगल पर करते हैं तो जो आपका ट्रायल वर्जन दिया होता है कि आपको 3 महीने का ट्रायल वर्जन है, फ्री सॉफ्टवेयर कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, एग्रीमेंट लेना पड़ता है. तो ये नहीं है कि ट्रायल वर्जन दे रहे हैं या फिर आपको कोई आप मतलब कुछ रिसर्च के लिए कर रहे हो तो उसमें जो आपको ट्रायल वर्जन मिलता है फ्री सॉफ्टवेयर. जैसे एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एंड्रॉयड है. एंड्रॉयड जो होता है वो क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. पर आपने देखा हो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर में जो मॉडिफिकेशन जो होते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के जो है डेवलपर उसमें मॉडिफाई कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट के साथ भी कर सकता है सबको. ठीक है, बट एंड्रॉयड जो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ये उसके भी लाइसेंस अग्रीमेंट होता है. क्योंकि गूगल जो है वो जो मैनुफैक्चरिंग होता है एंड्रॉयड का उससे गूगल जो होता है वो पेमेंट देता है. अभी तो ये गूगल का इतना चल रहा है, अदरवाइज हमें लगता है कि वो फ्री सॉफ्टवेयर होता है. वो हमारे जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है एक तरह से फ्री प्रोवाइड हो रहा है, बट मैनुफैक्चरर्स को उसकी लाइसेंस जो है ले रखती है, उसके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट भी करना पड़ता है. अब फ्री सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या होता है, लिब्रे ऑफिस क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल ये सबसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो अबंटू हम यूज़ करते हैं इसमें लिब्रे ऑफिस होता है. अबंटू में हम लिब्रे ऑफिस यूज़ करते हैं वो पूरा ओपन सोर्स अल्टरनेटिव टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है. यूएस मीडिया प्लेयर होता है एंड वॉबर्स मीडिया प्लेयर देयर कैन प्ले वर्चुअली एनीथिंग. गिम्प जो होता है फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है. जबकि फोटोशॉप एडोब फोटोशॉप आपने देखा होगा उसके लिए हम पेमेंट करते हैं. और गिम्प जो होता है फ्रीली प्रोवाइड होता है, ये ओपन सोर्स होता है. तो कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर भी होता है, पर ये जरूरी नहीं है कि हर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर हो या हर एक फ्री सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स हो. पावरफुल ओपन सोर्स फोटो एंड इमेज एडिटिंग के लिए होता है. अब एक चीज होता है फ्री सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हम जो यूज होते हैं सोशल मीडिया के लिए यूज करते हैं, जबकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है उसका हम यूज जो कर रहे हैं वो डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी के लिए होता है. उसमें हम सोर्स कोड यूज करते हैं, उसमें सोर्स कोड फ्रीली होता है एज ए यूजर डेवलपर सबके लिए. ठीक है, अब इसमें डिफरेंस बिटवीन फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, व्हाट इज डिफरेंस? हम ये कह रहे हैं कि डिफरेंस क्या क्या है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मैंने जैसे कहा कि इसमें सोर्स कोड फ्री होता है यूजर्स के लिए डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग. ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है वो एज ए डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी होता है, जबकि फ्री सॉफ्टवेयर होता है ऐसे यूजर सोशल मूवमेंट के लिए यूज होता है. ठीक है, अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एंड जो होता है वो फोकस ऑन होता है प्रोवाइडिंग इनोकॉपिकल बिजनेस आर्गूमेंट फॉर फ्री सॉफ्टवेयर. बट फ्री सॉफ्टवेयर जो है फोकस ऑन प्रोवाइडिंग ए मॉरल आर्गूमेंट फॉर ओपन सोर्स. थर्ड इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है एक बेनिफिशियल होता है टू यू एंड योर बिजनेस. हम जब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो हमारे बिजनेस के लिए हमारे लिए भी बेनिफिशियल होता है. जबकि फ्री सॉफ्टवेयर जो होता है एज ए मॉरलिटी के अकॉर्डिंग वो गुड होता है. तो यूजिंग प्रोवाइडिंग फ्री सॉफ्टवेयर इज ए गुड मॉरलिटी राइट थिंग टू डू. ओपन सोर्स जो होता है कंसिडर्ड इज इन टर्म्स ऑफ हाउ टू मेक सॉफ्टवेयर बेटर इन ए प्रैक्टिकल सेंस. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, हम उसको कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. आप उसमें जाकर उसके सोर्स कोड को अगर कोई बग था तो वो आपको उठ भी जाता है, उसको आप रिमूव भी कर सकते हो. बस फ्री सॉफ्टवेयर में क्या था, आप उसको यूज कर सकते हो एज ए यूजर फ्रीडम के लिए होता है फ्री सॉफ्टवेयर में. पर आप उसमें कुछ मतलब रिमूव नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होता. आप
क्योंकि उसके कोड भी होता फ्री नहीं होते. फ्री सॉफ्टवेयर इज एन एथिकल टू इंपरेटिव एसेंशियल एस्पेक्ट फॉर द यूजर फ्रीडम. और ऑल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ए फ्री सॉफ्टवेयर. हो सकता है सारे ही सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर हो अकॉर्डिंग टू रिचार्ज टाइम में जी एन फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट. और ऑल एग्जिस्टिंग फ्री सॉफ्टवेयर विद क्वालिटी एज ए ओपन सोर्स. जितने भी एग्जिस्टिंग फ्री सॉफ्टवेयर हो वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग ओपन सोर्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिचार्ज टाइम. दिस सेशन इज कंप्लीटेड बाई डिजिटल सेशन 2.0. थैंक यू.